बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीपीएससी में जो नई जॉब्स आई हैं, एडवर्टाइज नंबर 10 आई है, उसके बारे में तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच गए। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँगा कि ये वीडियो देख रहे हैं मैंने बनाई है 400+ ड्रोन स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान बाई यूएसए। हम सब जानते हैं कि जब इंडिया ने ड्रोन स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान का रद्दमल क्या था, लेकिन एक मुल्क यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका, जिसने पाकिस्तान पर 400 से ज़्यादा बार एयर स्ट्राइक की, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों किया? वो सब तफसीलात तो हमने इस वीडियो में बताई है, वो अभी आप वीडियो लाजमी देखिएगा और हमारे उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 10 आई है 2020 की, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें सैकड़ों की तादाद में जॉब्स हैं, एक दो जॉब नहीं है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, इसलिए आपने जितनी जल्दी हो सके इस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। और मैं आपको पहली जॉब के बारे में बताता हूँ, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जॉब है। टोटल पोस्ट कितनी है? 75 पोस्ट है टोटल, रेगुलर बेसिस पर है। नंबर नाम जो है जूनियर क्लर्क है। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो, वो भी सेकेंड डिवीजन के साथ, हायर स्कूल सर्टिफिकेट वो भी सेकेंड डिवीजन के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीड ऑफ वर्ड जो है वो 25 वर्ड पर मिनट स्पीड हो टाइपिंग कंप्यूटर इन इंग्लिश में, इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट। मेल भी अप्लाई कर सकती है और फीमेल भी अप्लाई की कर सकती है। मेल के लिए उम्र क्या था? 18 से लेकर 30 साल, और फीमेल के लिए उम्र क्या था? 18 से लेकर 33 साल है, ठीक है। आपने ये देख लेना, ये देख रहे हैं डोमिसाइल जो है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, सिर्फ रावलपिंडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जॉब है। उसके बाद देख रहे हैं सिलेबस भी होता है, वो भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अंदर देख रहे हैं मुख्तलिफ पोस्ट हैं, ये सीनियर रजिस्ट्रार की, ये भी सीनियर रजिस्ट्रार की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सॉरी मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ सिलेबस हैं, वो आप यहाँ से देखिए, जो भी आपका सिलेबस हो वो आप यहाँ से उसके ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल पोस्ट 12 हैं, इसकी 3 है और इसकी 2 हैं, और मुख्तलिफ है नीचे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन क्वालिफिकेशन देख लें, यहाँ पर MBBS जो है उन्होंने मिनिमम MBBS मांगी है इन सबके अंदर। और उम्र क्या? 25 से लेकर, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी। मेल के लिए उम्र क्या? 25 से लेकर 50 साल है, और फीमेल के लिए उम्र क्या? 25 से लेकर 53 साल है। किसी किस्म कोई टेस्ट भी नहीं दिया उन्होंने। यहाँ पर आप बाकी तफसीलात पढ़ लेंगे, लेकिन सारे ही MBBS में मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। बस सीनियर रजिस्टर मेडिसिन की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। उसके अलावा इसके अंदर 30 पोस्ट हैं, सीनियर में जो मेडिसिन की है इसकी 30 पोस्ट हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। उम्र की हद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप फिर भी यहाँ से देख लीजिएगा, शायद कुछ तब्दीली हो। उसके बाद देख रहे हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं सॉरी मुख्तलिफ यानी सब्जेक्ट्स हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरी एक और है, फिर भी नीचे भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। इनके लिए मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन सॉरी मुख्तलिफ पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं इसमें, इसमें भी 6 पोस्ट हैं, इसके अंदर 3 पोस्ट हैं, फिर 5 पोस्ट हैं और फिर 6 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी की है, एनाटॉमी सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी की जॉब है। देखना टोटल पोस्ट 12 हैं, वही MBBS क्वालिफिकेशन है, वही कि वही जो है उम्र की हेल्प आंगी है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं ये वही उसी डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ और पोस्ट भी मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, मुख्तलिफ है। किसी में 11 पोस्ट हैं, किसी की 6 पोस्ट हैं, किसी की 10 पोस्ट हैं, किसी की 6 पोस्ट हैं, फिर 6 पोस्ट हैं, ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में जॉब बन जाती है इसी इसी डिपार्टमेंट के अंदर। अब मैं आपको दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ, आप यहाँ से बाकी तफसीलात पढ़ लीजिएगा। देख रहे हैं ये दिख रहे हैं पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट, ज़िलादार की पोस्ट है, मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर ही दिख रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ पोस्ट दी हुई है। ये देखिए लाहौर ज़िला, लाहौर के अंदर टोटल पोस्ट 18 हैं, फिर फैसलाबाद के अंदर 18 हैं, सरगोधा के लिए भी 25 हैं, डी जी खान के लिए 6 हैं, बहावलपुर के लिए 18 पोस्ट हैं, मुल्तान के लिए 31 पोस्ट हैं, रिसर्च एंड DLR की टोटल पोस्ट 9 हैं, डिवेलपमेंट के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का हामिल उन्होंने जो है डोमिसाइल हामिल जो होना चाहिए वो भी उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ये बहावलपुर वाले जो अप्लाई कर सकते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर होना चाहिए, बहावलनगर, रहीम खान लाहौर के लिए, ये देख रहे हैं मुख्तलिफ ज़िले उन्होंने दिए हुए हैं, अगर इनके भी डोमिसाइल है तो वो भी लाहौर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 136 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ये पीरियड जो है 3 साल है, एक्सटेंडेबल भी है यानी कि बाद में पढ़ाई भी जा सकती है। क्वालिफिकेशन उन्होंने BA BSc मांगी है सेकेंड ईयर के साथ, ठीक है। जेंडर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद मेल के लिए 19 से लेकर 31 साल, फीमेल के लिए
19 से लेकर 34 साल, और स्पेशल पर्सन के लिए 19 से लेकर 36 साल है। ठीक है, आपने ये मुकम्मल तफसील तो हमने आपको बताई है। अब आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने ppsc.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके जो है अप्लाई कर देंगे। और साथ ही देख रहे हैं उन्होंने कोरोना वायरस का उन्होंने एक खबर वो भी दी हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही इंशाल्लाह हम अपने जो दूसरा चैनल है मोहम्मद हसनैन कुरैशी का, उसके ऊपर कोरोना वायरस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या है, उसका हल क्या बताया, बंद आया है या हल नहीं आया है, कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग बच चुके हैं, वो सब कुछ हम आपको अपने दूसरे चैनल के अंदर बताएंगे। इसलिए उसको भी लाजमी विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।